बात करेंगे। पिछले 21 घंटे से दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम डटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर में तलाशी अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वे 3 दिन तक जारी रहेगा। कल दोपहर करीब 12 बजे आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में पहुंची थी। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में धांधली का आरोप लगाया गया है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, ये कहा जा रहा है कि टैक्स अनियमितता के चलते इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये विपक्ष का आरोप है कि ये दरअसल एक सुनियोजित साजिश है, बीबीसी को दबाव में सरकार लाना चाहती है और यही वजह है कि कल अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी को करनी पड़ी। बिल्कुल नेहा, देखिए एक तरफ जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में चल रही है, जहां हम लोग खड़े हैं 5वें और 7वें माले पे, यहां पे दिल्ली का दफ्तर है और ये भारत का सबसे बड़ा दफ्तर है बीबीसी का, यानी कि कहा जाए तो इंडिया हेडक्वार्टर्स के तौर पे भी इसको हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे जो हेड ऑफ लैंग्वेजेस है बीबीसी की इंडिया में, उनका भी दफ्तर यहीं पे लोकेटेड है। कल 12 बजे से 11:56 से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी और आज तक को ये खबर भी मिली थी कि किस तरह से अंदर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी पहुंचे थे तो उस वक्त बीबीसी के इंडिया एडिटर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई थी, बहस हुई थी और असल में जो पूरा बहस का मामला था वो इस बात तक पहुंच गया कि बीबीसी के एडिटर्स का कहना था कि वो किसी भी एडिटोरियल कॉन्टेंट को हाथ लगाने नहीं देंगे आईटी ऑफिशियल्स को। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमें सोर्सेस ने कंफर्म किया है वो ये है कि बीबीसी का एक कर्मचारी उस हर कंप्यूटर के साथ खड़ा रहा जिसको आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने चेक किया था और कुछ कीवर्ड्स को देखा जा रहा था। और आप सही कह रही है नेहा कि एक तरफ जहां ये कार्रवाई चल रही है वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। नेहा बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपसे तमाम जानकारी लेंगे। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार भी फ्रंट फुट पर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने अपना पक्ष रखा, सुनिए। उनका धर्म वो निभाए, हमारा धर्म हम निभाएंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है।